एक लंबे अरसे बाद महेश भट्ट ने डायरेक्टर के तौर पर सड़क 2 से वापसी कर ली है। ये फिल्म 1991 में आई फिल्म सड़क का सीक्वल है। हालांकि इस फिल्म की कहानी एकदम नई है और इसकी पिछले फिल्म से कोई भी लेना देना नहीं है, लेकिन रवि और पूजा का कैरेक्टर इस कहानी में भी नजर आएगा आपको। पिछली फिल्म को काफी ज्यादा पसंद किया गया, हालांकि इस बार इस फिल्म का ट्रेलर रिलीज होने के बाद इसे सुशांत सिंह राजपूत के केस के कारण काफी आलोचनाओं का सामना करना पड़ा है। अगर इस फिल्म की कहानी के बारे में बात की जाए तो इस फिल्म की कहानी आर्य देसाई यानी कि आलिया भट्ट की है, जो कि देसाई ग्रुप ऑफ इंडस्ट्री की अकेली वारिस है, जिसकी मां शकुंतला देसाई की रहस्यमय तरीके से मौत हो जाती है। इसके बाद आर्या अपनी मां की हत्या का बदला लेकर उन्हें न्याय देने के मिशन पर निकलती है। आर्या अपनी मां की आखिरी इच्छा पूरी करना चाहती है, जिसके लिए उन्हें कैलाश जाना पड़ता है और यही से फिल्म की कहानी शुरू होती है। आर्या की सौतेली माँ यानी कि उनकी मौसी नंदिनी माँ, जिसका किरदार प्रियंका बोस निभा रही हैं, और पिता योगेश, जिसका किरदार जीसू सेन गुप्ता निभा रहे हैं, ये एक ढोंगी धर्म गुरु ज्ञान प्रकाश यानी कि मकरंद देशपांडे के प्रभाव में है, लेकिन आर्या उनकी असलियत सामने लाना चाहती है। आर्या को लगता है कि उसकी माँ की हत्या के पीछे इसी ज्ञान प्रकाश का हाथ है। इसके लिए आर्या ढोंगी धर्म गुरु के खिलाफ एक सोशल मीडिया कैंपेन भी चलाती है। आर्या एक अजीब से सोशल मीडिया ट्रोल और म्यूजिशियन विशाल यानी कि आदित्य रॉय कपूर से प्यार भी करती है और उसी के साथ अपने 21वें जन्मदिन पर कैलाश जाती है। इसके लिए आर्या ने पूजा ट्रैवल से गाड़ी बुक की है, जिसका ड्राइवर रवि यानी कि संजय दत्त है। रवि की पत्नी पूजा यानी कि पूजा भट्ट अभी दुनिया में नहीं है और वो अकेला उसकी यादों में जी रहा है। सफर में रवि और आर्या की दोस्ती हो जाती है। इसके बाद रवि भी आर्या की मिशन में उसका साथ देता है। सड़क 2 की कहानी बेहद ही इमोशनल माहौल से शुरू होती है, जिसमें रवि अपने मरहूम पत्नी की यादों में जी रहा है। वो आत्महत्या करने की कोशिश भी करता है लेकिन कर नहीं पाता है। वही आर्या भी उसकी जिंदगी में तूफान की तरह आ जाती है। कहानी में जल्दी जल्दी ट्विस्ट आने लग जाते हैं और इन्हीं से फिल्म का पूरा स्क्रीन प्ले पटरी पर आ जाता है। फिल्म के डायलॉग्स पुराने लगने लगते हैं और ऑडियंस को बोर लगने लगता है। ऐसे लगता है कि मेकर्स ने फिल्म को लिखने में ज्यादा मेहनत नहीं की है और उन्हें लगता है कि ऑडियंस नॉस्टैल्जिया पे ही फिल्म देख लेगी। नई ऑडियंस के एक बड़े वर्ग ने सड़क 2 का पहला पार्ट नहीं देखा है, तो वही इस फिल्म में विलन जरूरत से ज्यादा ड्रामा करने लगते हैं और एक्शन भी बिल्कुल नकली लगने लगता है। अगर एक्टिंग के बारे में बात की जाए तो अपने बेहतरीन एक्टिंग के लिए जाने जाने वाली एक्ट्रेस आलिया भट्ट कुछ इमोशनल सीन के अलावा बहुत ही निराश करती है। आदित्य रॉय कपूर के पास कुछ खास करने के लिए नहीं मिला है, तो वही संजय दत्त के कुछ इमोशनल सीन्स अच्छे लगते हैं, लेकिन वो एक हद के बाद इरिटेट करने लग जाते हैं। हालांकि पिता के किरदार में जीसू सेन गुप्ता और ढोंगी धर्म गुरु के किरदार में मकरंद देशपांडे जरूर प्रभाव छोड़ जाते हैं, लेकिन मकरंद देशपांडे जैसे मंचवी कलाकार से भी ओवर एक्टिंग करवा ली गई है। बहुत से अच्छे सीन भी अजीब लगने लगते हैं। एक बेहतरीन डायरेक्टर के तौर पर महेश भट्ट ने अच्छी फिल्में बनाई है, लेकिन इस बार वो पूरी तरह से निराश करते हैं। ओवरऑल देखा जाए तो इस फिल्म को हम देना चाहेंगे 2 स्टार। तो दोस्तों, इसको लेकर क्या है आपकी राय? अगर आपने फिल्म देखी है तो ये आपको कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।